कि जिस गरीब को मकान मिलेगा उसके अंदर खुशी की तो एक कुदरती चीज है कि उसके अंदर एक खुशी की बहुत बड़ी लहर हो। गरीब कोई गरीब नहीं होगा, सबका अपना घर होगा, अपना मकान होगा और किराए की कोई टेंशन। खत्म है ये गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा स्टेप है, जो जिनके पास छत नहीं है उनको छत मिल रही है, मकान मिल रहे हैं, उनका फैसला है, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया उन्होंने कि गरीब जने का पैसे नहीं होते थे उन्होंने मकान। आप लोगों का अपना घर का सपना पूरा होने लगा है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब लोगों को घर मिल रहे हैं। लगातार आप ये खबरें सुन रहे हैं, पर अब सवाल ये है कि क्या लोगों को घर मिले हैं, क्या लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा, क्या आप लोगों को घर मिले हैं अगर आप किराए पे रहते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ जम्मू के ही लोगों से, जम्मू के लोग इसको लेकर क्या कहते हैं, जम्मू के लोग इसको लेकर क्या विचारधारा रखते हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना जो चलाई जा रही है इसका क्या लाभ ग्राउंड रियलिटी पर मिल रहा है। नजर डालिए स्पेशल रिपोर्ट। आपका नाम? विमल गुप्ता। विमल जी, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर मिल रहे हैं, क्या लगता है कितना बड़ा बेनिफिट है? अभी तो ये सैंक्शन भी किया है कैबिनेट में कि 2 करोड़ लोगों को और घर मिल सकते हैं, इसमें तो क्या? भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट ने स्टेप अच्छा लिया है कि जिस गरीब को मकान मिलेगा उसके अंदर खुशी की तो एक कुदरती चीज है कि उसके अंदर एक खुशी की बहुत बड़ी लहर होगी। जो जिसके बच्चे सड़कों पे खराब हो रहे हैं, कहीं कोई वो जा नहीं सकते, रोड के ऊपर वो बैठे हैं, जब उनके ऊपर सर के ऊपर छत होगा और उससे बड़ी खुशी का अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है कि उन बच्चों के मन में या उन बुज़ुर्ग माँ बाप के जिनके बेटे को घर मिला या उनके माँ बाप जब उस छत के नीचे सोएंगे तो उनके मन से दुआई निकलेगी, बददुआ कभी नहीं निकल सकती। श्यामलाल जी, जो प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को घर मिल रहे हैं, किस तरह से देखते हैं, कितनी सहूलियत है लोगों? मैम जी, आपके चैनल का शुक्रिया था जो आप कवरी कर रहे हैं कि बहुत अच्छा कदम है ये गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा स्टेप है, जो जिनके पास छत नहीं है उनको छत मिल रही है, मकान मिल रहे हैं, रोडों के बड़े बड़े रोडों के काम लगे हुए हैं। ये बहुत अच्छा स्टेप है कि आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छा अच्छी योजना चलाई हुई है मोदी साहब ने, जो जिनके पास छत नहीं है वो उनको छत मिल रहा है। लोग गरीब सपना ही देखते थे हमारा घर बनेगा, जिनके पास भी घर है। नहीं, घर तो है, तो बहुत अच्छी योजना जो पूरा हो रहा है अपने घर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मोदी की बहुत अच्छी स्कीम है, जो लाखों लोगों करोड़ों लोगों के लिए ये स्कीम है और बहुत अच्छी स्कीम है। और मोदी साहब को जो हम सूचित करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जो आपके आगे पंचायतों के लोग हैं, जो वीडियो वगैरह हैं, उनको ऐसी डायरेक्शन दी जाए कि ऐसे गांव-गांव में जाया जाए कि जो निचले लोग हैं उनकी पहचान की जाए और उनको जल्द से जल्द मकान मिले। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिल सूरी है। अनिल जी, किस तरह से देखते हैं जो गरीबों को घर मिल रहे हैं? उनका फैसला है, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया उन्होंने कि गरीब जने का पैसे नहीं होते थे उन्होंने मकान दे दिए। किराए पर रहते थे, किस तरह से किराए, महंगाई देखो देखो उनका देखो उनके पास बड़ी मुश्किल होती थी, पैसे नहीं होते थे बेचारों के पास, तो वो मकान कहाँ से बनाते या कोई बनाते, उन्होंने बड़े तरीके से उनको बड़े हिसाब से उनको मकान बना के दे। आपका नाम? नरेश सूरी। नरेश जी, किस तरह से देखते हैं गरीबों को जो घर दिए जा रहे हैं, 2 करोड़ लोगों को घर और मिलने हैं, किस तरह से देखते हैं? ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ये इस हिंदुस्तान के लिए बहुत ही अच्छा और बढ़िया कदम है, जिससे जिन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम अपने घरों में रहेंगे और वो किराए के मकानों में रहते थे और किराया भी उनके पास होता नहीं था देने के लिए, तो ये योजना बना के इतने 1 करोड़ 70 शायद जितना भी होगा अबाउट, मैं पूरी फिगर नहीं जानता हूँ, उनको इन्होंने आवास दिए और 2 करोड़ नए आवास बनाने की योजना भी जो इन बनाई, ये प्रशंसनीय कदम है और ऐसा कदम पूरी दुनिया के अंदर हमने नहीं देखा ना सुना है, और अगर इसी पे ये चलते जाएंगे तो मुझे लगता है कि एक दिन इस हिंदुस्तान के हर गरीब के पास घर होगा और हर गरीब, कोई गरीब नहीं होगा, सबका अपना घर होगा, अपना मकान होगा और किराए की कोई टेंशन नहीं होगी। थैंक यू।